एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड सूत्रा। आज मैं बात करूंगी किस टाइप के हम फैमिली रोल्स प्ले कर सकते हैं अनकॉन्शियसली, मतलब स्पेशली एक डिसफंक्शनल सेटिंग में। एक होते हेल्दी फैमिली सेटिंग और एक होती है डिसफंक्शनल फैमिली सेटिंग, और टाइम टू टाइम हो सकता है हम सभी डिसफंक्शनल फैमिली सेटिंग में पड़ जाएं और इनमें से कोई ना कोई एक रोल हम अनकॉन्शियसली प्ले करें। तो जब हम ये रोल्स प्ले करते हैं तो हमें रियलाइज़ नहीं होता है कि हम सेम ड्रामा फैमिली में प्ले करे जा रहे हैं, और ये चीज़ हमें ग्रो होने में हेल्प नहीं करती है, हमारे रिलेशंस इंप्रूव करने में हेल्प नहीं करती है। और कैसे ये हमें इम्पैक्ट कर सकता है हमारे बिहेवियर को, हम अब देखेंगे। तो पहला रोल है हीरो। तो हीरो एक तरीके का ट्रॉफी पर्सन होता है फॉर द फैमिली। ही इज़ द फेस ऑफ द फैमिली, जिसे अवार्ड्स और सक्सेस और पैसा सब कुछ मिलता है, एंड वो एक काइंड ऑफ ओवर अचीवर का रोल प्ले करता है। और ये रोल ठीक है जब तक सब कुछ अच्छा हो रहा है, बट इस रोल के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन खुद भी फियर ऑफ फेलियर से सफ़र करता है, और फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ रिडिक्यूल, ये सब चीज़ों से अफेक्टेड रहता है। तो उसे कॉन्स्टेंटली प्रेशर में रहता है कि उसे हमेशा नंबर वन आना है, या हमेशा अचीवर रहना है, हमेशा सक्सेस पानी है। और ये प्रेशर से जो हीरो का रोल जो भी प्ले कर रहा है वो अपने आप को प्रेशर्ड फील कर सकता है, काइंड ऑफ डिप्रेशन में भी जा सकता है अगर उसे वैसे रिजल्ट्स नहीं मिले जैसे कि सब उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ज़रूरी है जो भी इस रोल में हैं, अगर या आप खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस रोल से, तो कोशिश करें कि फेलियर्स को एक्सेप्ट करना सीखें और नो बोलना सीखें जो चीज़ें आपको नहीं करनी है या जो फैमिली आपको प्रेशर कर रही है करने को, ताकि उनका नाम और प्रेस्टीज बढ़े। तो ये चीज़ें और पर आपको नहीं सर्व कर रही है चीज़ें, आपको नहीं कर रही, तो उन्हें नो बोलना सीखना भी पड़ेगा। और परफेक्शन की तरफ भागना नहीं है, लेट गो करना है चीज़ों को, अपने आप को इम्परफेक्शंस के साथ एक्सेप्ट करना है। अपने वर्थ को सक्सेस से नहीं डिफाइन करना है कि आप तभी सक्सेसफुल हैं जब आप तभी आप प्यार करने लायक हैं या पसंद करने लायक है जब आपके पास बहुत सारे अचीवमेंट्स हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे रोल अगर आप प्ले कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा रोल है स्केपगोट का। अब स्केपगोट क्या होता है, जिस पर सब अपने प्रॉब्लम्स का बोझ ढोल देते हैं कि इसके कारण ही हमारे फैमिली में या हमारी लाइफ में ऐसे सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो स्केपगोट का रोल थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज दैट पर्सन इज कंसिडर्ड द प्रॉब्लम ऑफ द फैमिली, वो ही सोर्स है हर प्रॉब्लम का। तो ऐसे लोग यूजुअली और दूसरे फैमिली मेम्बर से रिलेट नहीं कर पाते अपने आप को, और हमेशा अकेला महसूस करते हैं कि कोई उन्हें समझता नहीं है, वो मिसफिट फील करते हैं, क्योंकि हमेशा उंगलियां उनके तरफ ही उठती है चाहे वो कितना ही अच्छा कर ले। और जबकि उनकी गलती हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, सब लोगों को एक तरीका मिल जाता है, एक सोर्स मिल जाता है कि किस पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सके। और ऐसे लोग बाहर से गुस्सेल दिखते हैं बहुत, बट अंदर से वो शेम, हर्ट और रिजेक्शन से सफ़र कर रहे हैं। तो हो सकता है उनको जो अटेंशन और लव वो क्रेव कर रहे थे वो नहीं मिल पाया, दैट इज़ वाई उनका एक तरीके का इस तरह का पर्सनैलिटी मोल्ड हो गया, और जिसका कारण कोई भी हो सकता है, बट वो स्केपगोट वाला ऐसा रोल है जिसके ऊपर सब उंगलियाँ उठा रहे हैं और उनको ही गलत समझ रहे हैं, जबकि गलती हो या ना हो उनकी। तो अगर आप खुद आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आप को इस रोल से, तो आपको समझना है कि आप अंदर से शेमफुल फील कर रहे हैं कोई चीज़ का, आपको बहुत हर्ट है कोई चीज़ का, आप रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। मैंने शेम पर बहुत डिटेल में वीडियो बनाया, आप उसे ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छा वीडियो है। और शेम और गिल्ट कैसे अलग अलग चीज़ें हैं उसे भी आप समझेंगे उससे, और वो रिजेक्टेड भी फील करते हैं, रिजेक्शन पर भी मेरा बहुत डिटेल में एक वीडियो है। तो ऐसे लोगों को अपने सेल्फ लव पर काम करना बहुत ज़रूरी है कि कैसे अपना सेल्फ लव बढ़ाएं, इस पर भी मेरी प्लेलिस्ट है पूरी। तो अगर आप खुद इस रोल से अपने आप को आइडेंटिफाई करें, तो या तो आप ज़्यादा वल्नरेबल होइए, मतलब अपने जो हर्ट फीलिंग्स हैं वो किसी से शेयर करें जिससे आप ट्रस्ट करते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, बट इंश्योर करें वो ट्रस्टवर्दी हो, या फिर आप कोच की हेल्प ले सकते हैं, कोई थेरेपिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि आप आपके थॉट्स नहीं हो, और जो फैमिली में प्रॉब्लम हो रही है उसका कारण आप नहीं हो। तो अपने सेल्फ लव को बढ़ाइए और अपने रोल से डिसआइडेंटिफाई करिए अपने आप को कि आप ये स्केपगोट नहीं हो।
तीसरा है द लॉस्ट चाइल्ड। तो लॉस्ट चाइल्ड का रोल जो प्ले करता है वो ऑफन फैमिली में वो होते हैं जो इनविजिबल होते हैं, उनकी ओपिनियन किसी के लिए वैल्यूएबल नहीं है, उनको कोई पूछता नहीं है। तो ऐसे लोग अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही रखना चालू कर देते हैं, दे स्टॉप एक्सप्रेसिंग हाउ दे फील। इससे कई बार उनको डिप्रेशन टाइप भी हो सकता है। बट लॉस्ट चाइल्ड वाला रोल एक्सट्रीमली वैल्यूएबल होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, बहुत स्किल्ड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और टैलेंटेड होते हैं, बिकॉज क्योंकि उनको कोई पूछ नहीं रहा, वो इनविजिबल है, तो वो अपने इनर स्ट्रेंथ्स पे वर्क करते हैं और टैलेंटेड होते हैं काफ़ी। बट अगर उनको गाइडेंस मिले प्रॉपर तो वो अच्छी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना भी सीख सकते हैं, जिससे जो उनको अकेलापन फील हो रहा है या उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो वैल्यूएबल नहीं है फैमिली के लिए, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये चीज़ों से वो बाहर निकल सकते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करके, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करके। और उनको भी अपने सेल्फ वर्थ पे बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो लॉस्ट फील ना करें। और आखिरी है द क्लाउन या मैस्कट। तो फैमिली में कई बार कोई ऐसा रोल प्ले कर सकता है जो काफ़ी फनी है, और या तो कोई ऐसी एक्टिविटी वो करते रहेगा कि जिससे सबको हंसी आए या सबका ध्यान उधर चले जाए और वातावरण पैसिफाई हो जाए या शांत हो जाए। तो कई बार ये बाय डिफ़ॉल्ट वो ये रोल अपना लेते हैं कि टेंस माहौल में कोई और रोल बचता नहीं है तो कैसे वो अपनी इंपॉर्टेंस दिखाएं फैमिली में। वो है कि वो लाइट हार्टेड एनवायरनमेंट करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, या फिर क्लास में ऐसे कई बच्चे होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं जिससे सबको फनी लगे, हंसी आए, तो या तो वो टीचर की डांट खाते हैं या फिर क्लास में काफ़ी पॉपुलर होते हैं वो। तो आइदर ऑफ द थिंग हो सकता है, या फिर जब बड़े हो जाते हैं वो तो दे कैन प्ले द रोल ऑफ जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर एक्सट्रीमली अच्छा हो, तो वो ह्यूमर के पीछे अपना पेन एक तरीके से हाइड कर रहे हैं, बिकॉज एज ग्रोइंग अप दे फाउंड सर्टन थिंग्स टू बी पेनफुल एंड उसे वो ह्यूमर के थ्रू सप्रेस करते हैं ताकि माहौल शांत रहे। तो ये जब तक फनी है, हंसी आ रही है सबको, ये अच्छा है, बट कहीं ना कहीं वो अपने पेन को अंदर दबा रहे हैं एक ह्यूमर की आड़ में। और जहाँ पर भी हम पेन को दबाएं, उसे खुद कन्फ्रंट नहीं करें, तो वो एक तरीके से डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इसीलिए जो अगर आप ये रोल आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आप से, तो आपको ज़रूरी है कि आप अपने पेन को एम्ब्रेस करें, फेस करें और एक्सेप्ट करें कि लाइफ में सब कुछ पेनलेस नहीं होता। देर आर थिंग्स जो पेनफुल होती हैं और हमें उसे फेस करेंगे तभी हम उसे हील कर पाएंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो कई रिसर्च पेपर्स में 4 रोल्स रहते हैं, कहीं पर 6 रोल्स भी रहते हैं, इन्हीं रोल्स को और सब डिवाइड कर दिया जाता है। बट ये सिर्फ फैमिली सेटिंग में ज़रूरी नहीं है ऑपरेट हो, ये ऑफिस के एनवायरनमेंट में, टीम में एप्लीकेबल है, ये फ्रेंड्स के ग्रुप में एप्लीकेबल है, जहाँ पे कई बार हम एक डिसफंक्शनल सेटिंग में ये रोल बाय डिफॉल्ट अपना लेते हैं। कोई हीरो प्ले कर सकता है, कोई स्केपगोट, कोई लॉस्ट, कोई क्लाउन। तो जब तक हमारी ग्रोथ हो रही है या हम कॉन्शियस है कि हम ये रोल प्ले कर रहे हैं तब तक ठीक है, बट जब हम ऑटो पायलट में चले जाते हैं और ये रोल्स बाय डिफॉल्ट प्ले करते हैं और बार बार वही ड्रामा, वही झगड़ा अगर हो जा रहा है, तो हमें स्टेप बैक लेना ज़रूरी है और देखना ज़रूरी है कि हम क्या कर रहे हैं और हम कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं और हम क्यों ये रोल प्ले कर रहे हैं और हम इससे कैसे निकल सकते हैं, क्योंकि ये हमें हेल्प नहीं करता है। मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है हाउ टू गेट आउट ऑफ ड्रामा इन योर लाइफ, तो उसे भी आप देखिए, उसमें भी काफ़ी आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हम अपने लाइफ के ड्रामा को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो कैसे लगे आपको ये पॉइंट्स मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसके बारे में पता था या आपने कोई नई चीज़ सीखी है। और इसी बारे में आपको डिटेल में अगर पढ़ना है तो मेरा ब्लॉग मैंने लिंक किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे आप ज़रूर पढ़िए। और इसी पे पॉडकास्ट भी है, तो मेरे वेबसाइट को विजिट कीजिए mindsutra.in पर, जहाँ पर आपको और डिटेल्स मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन बाय। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। बाय।